हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नाम राहुल कटिक एंड यू आर वाचिंग मिस्टर के 40। जैसे डायरेक्टर तो मैंने आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में अपनी इंजन के नीचे कौन कौन से पार्ट आते हैं उस पर रहने वाली। तो फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लेते, लेट्स फॉर स्टार्ट द वीडियो। फटाफट से सबसे पहले बात करती थी ये अपना रहने वाले बोनेट लॉकों के। एक बार आपको अंदर से ही खोलना पड़ेगा और इसको भी इस तरीके से खोलना पड़ेगा, तब अपना बोनेट खुलेगा। इधर आ जाइए, इधर अपनी रहने वाली 12 वोल्ट की बैटरी, ये रहने वाला अपना फ्यूज बॉक्स, जैसे कि आपको चेक करवा दूँ, चेक कर लीजिए, इसको बंद करते हैं। ओके, ये अपनी कॉइल रहने वाली है और ये अपने एयर फिल्टर हाउसिंग रहने वाली है। इसके नीचे होता है अपना एयर फिल्टर, ये अपनी टोटल बॉडी होने वाली है, ये अपना रेस होने वाला है, जिसे कि आप चेक कर लीजिए, वायर अंदर से आ रही है। जब भी हम अंदर से रेस देते हैं तो इसे कुछ होता है। और ये सारे इसके सेंसर होने वाले हैं, जिसकी चेक कर लीजिए, काफ़ी सारे सेंसर है टोटल बॉडी में, एक इधर भी है। तो सेंसर का नाम और इसका वर्किंग वो सब कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। इधर आ जाइए, इधर अपना इंजन ऑयल डालने के लिए चेक कर लीजिए, अपना इंजन 3 सिलेंडर होने वाला 796 cc का, 2005 मॉडल है अपनी कार। ओके, 1, 2, 3 सिलेंडर। ओके, इसके नीचे होते हैं अपने स्पार्क प्लग। इधर आ जाइए, तो इधर अपना फ्यूल गेज। ओके, इससे आप चेक कर सकते हैं कि अपनी फ्यूल का लेवल क्या है, इंजन ऑयल का, सॉरी। देख सकते हैं 2 होल्स दिए गए, नीचे वाले का मतलब है मिनिमम, ऊपर वाले का मतलब है मैक्सिमम। इसको बंद कर देते हैं। ये अपनी ब्रेक सिस्टम होने वाली पूरी, जैसे चेक कर लीजिए, ब्रेक बूस्टर और सब कुछ। इधर आ जाइए, ये अपनी रहने वाली है वाइपर मोटर, ये अपना रहने वाला है फिंड सील वॉशर, इधर से आप इसका पानी डाल सकते हो। ओके, और आ जाइए इधर, तो ये अपनी बेल्ट रहने वाली, ये अपना अल्टरनेटर रहने वाला है जो बैटरी को चार्ज करता है। ओके, ये अपनी वाटर पंप की पुली रहने वाली, जैसे चेक कर लीजिए, और उसके नीचे अपनी मेन क्रैंक सेट वाली शाफ्ट वाली पुली रहने वाली है। ओके, और नीचे एक एसी का कंप्रेसर भी आता है, जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पाइप वहीं से आ रही है, तो आप चेक कर लीजिए, ये रहने वाला अपने एसी का कंप्रेसर। ओके, और ये अपने इधर से एग्जॉस्ट की पाइप। ओके, इसके नीचे अपना कैटलिंग कन्वर्टर होता है, जिसके आपको दिखा हुआ हो तो वो देख लीजिए आप, उसके नीचे होता है अपना कैटलिंग कन्वर्टर। एक बार मैं आपको नीचे से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। और इधर अपने इंजन माउंट, अल्टो में 3 इंजन माउंट होते हैं, 1, 2 और एक इधर आता है 3। ओके, और ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर, एयर फिल्टर के नीचे रहने वाला अपने डिस्ट्रीब्यूटर, जो देख सकते हैं तीनों वायर्स वहीं से आ रही है। और इधर आ जाइए, ये अपना रेडिएटर का प्रेशर कैप रहने वाली है, कभी भी गाड़ी गर्म हो तो इसको मत खोलना। ओके, काफ़ी हाई प्रेशर होता है इसमें, आपको चेहरा भी जला सकता है। और इसके नीचे होता है अपना रेडिएटर, और रेडिएटर के आगे पीछे होता है अपना फ़ैन, थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूँ तो आपको देख लीजिए, और अपना फ़ैन, और सबसे आगे होता है अपना एसी का कंडेंसर, जिसे चेक कर लीजिए आप। और इधर आ जाइए, तो ये अपना कूलेंट वाला डब्बा, अभी तो हाल फिलहाल इसमें कूलेंट नहीं है। इसके नीचे भी दो, आपको इसको निकाल पाऊँ तो आपको दिखा दूँ कि आपको कितना कूलेंट रखना है, वो भी कंपनी दिखाती है, देख सकते हो फुल एंड लो, इतना आपको कुछ रखना होता है कूलेंट। इसको बंद कर दे, अभी तो इसमें कूलेंट है नहीं। ये अपना रहने वाला CNG का, इधर से आप CNG इसमें डाल सकते हो। ओके, अभी तो इसमें CNG है नहीं, गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी है मेरी, इसको भी बंद कर दीजिए। इधर आ जाइए, तो ये देख सकते हो इसका प्रेशर दिखाता है, इधर अभी तो 0 पे है इस प्रेशर, चेक कर लीजिए CNG का प्रेशर दिखाता है, ये आफ्टर मार्केट CNG का। और अपने पेट्रोल के इंजेक्टर ये रहने वाले, जैसे कि चेक कर लीजिए, थोड़ा बहुत आपको दिखा पाओ तो ये 1, 2, 3 अपने इंजेक्टर रहने वाले, पेट्रोल की चोट लग गई थोड़ी, उसको चलता है। और ये अपना मैनिफोल्ड रहने वाले, जैसे कि चेक कर लीजिए, अपना पेट्रोल या CNG इसी तरह से अंदर जाती है, इधर से थोड़ा बहुत दिखा, क्योंकि जगह काफ़ी कम है इसे आपको ढंग से दिखा नहीं पा रहा हो। ओके, तो आ जाइए नीचे से, एक बार से आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले ये 2 अपने मटके रहने वाले, इसके नीचे अपने सस्पेंशन लगे होते हैं, अपने जो जंपर भी बोल सकते हो आप। अब नीचे आ जाइए, तो गाइस नीचे आ गए हैं, और ये अपना रहने वाला ऑयल फिल्टर। ओके, ये अपनी पाइप जा रही है एग्जॉस्ट की, और उसके ऊपर लगा अपना कैटलिंग कन्वर्टर, जिसके आप देख सकते हो, और ये रहने वाला अपना ऑयल चैम्बर। ओके, इसे चेक कर लीजिए, और इधर आ जाइए, तो ये अपना क्लच केबल रहने वाला है, अंदर से क्लच दबाएंगे ये आगे की तरफ मूव होता है और अपनी क्लच दबती है। ओके, आपको एडजस्ट करना हो आप इधर से भी एडजस्ट घर पर ही कर सकते हो, उसका भी मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और यार काफ़ी कम जगह है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट थोड़ा और नीचे जाते हैं। और आप ये जो अपने आप देख रहे हो आगे, ये वाली चीज़ जो टायर में लगी हुई उसको एक्सल बोलते हैं, और वो अपनी गियर बॉक्स से, जो सिंपल भाषा में बोले तो अपनी गियर बॉक्स के पावर
अपने टायर में डालती है। ओके तो देख लीजिए सारे, वो अपना रहने वाला है लोअर आर्म ये वाला। ओके ये अपना स्टेयरिंग रोड जिसकी चेक कर लीजिए, और इसके पीछे भी अपना स्टेयरिंग रोड रहने वाला है। और एक ऑल्टो में यार ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, इसलिए दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये कुछ बड़े बड़े पार्टों का मैंने आपको नाम बताया। अगर आपको छोटे छोटे पार्ट जैसे कि अपने सेंसर और कुछ भी छोटा छोटा हो उसका नाम या उसका वर्किंग जानना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, और जितना मैंने इस पर बताया उसका भी वर्किंग चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा। और यही कुछ था, और काफ़ी दिनों से अपनी वीडियोज़ नहीं आ रही थी यार, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा ईमेल आता है जो यूट्यूब चैनल से लॉगिन था वही मिस हो गया, तो मेरे फ़ोन गलती से मैंने रिसेट कर दिया था, और फाइनल एक दो दिन पहले मेरे को वो रिकवर हो गया। और अब से रेगुलर वीडियोस आएगी, मैं वो टेंशन में भी आ गया था, काफ़ी दिनों से वीडियोस भी नहीं आ रही, अब रेगुलर वीडियो आएगी। जिसे आप चेक कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूँ अगले नए किसी वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।